ठीक है। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, अपने न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन पे खूब सारे क्वेश्चंस करना शुरू किया था, और आज वो काम कंटिन्यू करना है। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन ही पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में और कुछ पढ़ना ही नहीं है। हम लोग लास्ट क्लास में दो नई इक्वेशन सीखे थे, ठीक है। मेरी इक्वेशन थी वो, प्रवीण सर इक्वेशन क्या था वो, ठीक है, पीके कॉन्सेप्ट तो अभी और आएंगे। पर क्या था वो इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टाइम, और एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये दो इक्वेशंस और थी, और इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस कर रहे थे। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में मैंने जो करवाया था ट्रेन वाला, ये इंपॉर्टेंट है, आपका वीडियो अपलोड अभी हो रहा है, आज रात तक हो जाएगा। तो आप लोग अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो इस कम से कम ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन उस वीडियो से देख लीजिएगा एंड में, ठीक है। ओके, तो आज अगला एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल नंबर 20। मेरे ख्याल से आप लोग ट्राई करके आए होंगे, आई होप, और इसलिए मैं डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन बता शुरू कर रहा हूँ। मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों को शायद ये दिखेगा कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। मैं पहली बार आपके सामने पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अ मैन ड्राइविंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आर। देखिए, पहला स्टेप मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही जो काम का डेटा था ना उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। और ध्यान क्या दे रहा हूं, यूनिट इसकी किलोमीटर पर आर है। अबे तो मतलब ये, इसको मैंने यहीं पर लिख दिया कि बाद में जरूरत पड़ सकती है, 72 किलोमीटर पर आर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। सीज अ कैट ऑन अ रोड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर फिर से काम का डेटा है, इसको भी ध्यान दिया हमने, ठीक है। ही अप्लाइज ब्रेक्स टू प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ, रिटार्डेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फाइंड वेदर ही विल बी एबल टू सेव द कैट और नॉट इफ हिज रिएक्शन टाइम इज 1 सेकंड। आई गेस आप लोगों को रिएक्शन टाइम पता होगा। रिएक्शन टाइम वो टाइम है जो आपको लगता है किसी भी सिचुएशन के लिए रिएक्ट करने में। मतलब ड्राइवर ने बिल्ली को देखा, देख कर ब्रेक लगाया, तो देखते देखने में और ब्रेक लगाने में थोड़ा सा टाइम इंटरवल तो होगा, है ना। उस टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्शन टाइम। अब जरा इस क्वेश्चन को समझिए, गाड़ी जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर आगे कैट को देखा, और 1 सेकंड का रिएक्शन टाइम है, उसके बाद रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। मतलब उस 1 सेकंड के लिए वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, है ना। तो गाड़ी के साथ क्या होगा, डायग्राम बना लेते हैं। ये कार है, कार आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 1 सेकंड के लिए, इसके बाद रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो जाता है कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये गाड़ी थोड़ी देर जाके रुक जाती है। अगर ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, अगर ये 50 मीटर से कम है तब तो बिल्ली बच जाएगी, नहीं तो बिल्ली म्याऊं हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट 1 सेकंड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट 1 सेकंड, पहले 1 सेकंड में क्या हुआ, पहले 1 सेकंड में अगर हम ध्यान दें तो वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट S1 कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 20 इंटू टाइम 1, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर्स। ये रिएक्शन टाइम में 20 मीटर्स चल चुका है, मतलब इसका रुकने के लिए कितना टाइम, कितना डिस्टेंस बचा है, सिर्फ 30 मीटर्स। अब इसने ब्रेक अप्लाई किया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया। तो यहां से लेकर यहां तक के बारे में बात करते हैं, यहां पर भी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड ही है। आगे की तरफ प्लस ले रखा है मैंने, पीछे की तरफ माइनस ले रखा है, ये अज्यूम्ड है अगर मैं ड्रॉइंग नहीं करता हूं तो। इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर्स पर सेकंड। एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
दैट मीन्स -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको रुकना है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है, जीरो, डिस्प्लेसमेंट आप बताना चाहते हो, है ना। तो कौन सी इक्वेशन हमें अप्लाई करनी चाहिए, आप देख के बताइए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s अप्लाई करते हैं, तो मैंने अप्लाई किया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, मुझे मिलेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -5 इनटू s। दिस इंप्लाइज 10s इज इक्वल टू 400, दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 40 meters। तो मतलब क्या हुआ, 20 मीटर्स पहले चल लिया और रुकते रुकते 40 मीटर्स और चला तो बिल्ली म्याऊ कर जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो टोटल कितना हो गया, 60 मीटर्स हो गया ना, बिल्ली कितनी डिस्टेंस पे थी, 50 मीटर के डिस्टेंस पे थी। अगर वो ड्राइवर अच्छा होता, उसका रिएक्शन टाइम 1 सेकंड नहीं होता, 1 सेकंड बहुत ज्यादा होता है, तो बिल्ली बच जाती, ठीक है। यही फर्क होता है एक नए ड्राइवर में और एक एक्सपर्ट ड्राइवर में, रिएक्शन टाइम का, ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस। रिएक्शन टाइम जो प्रो ड्राइवर होते हैं उसका बहुत कम होता है, 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा होता है यार, 1 सेकंड में तो छक्का पड़ जाता है क्रिकेट मैच में, बॉल फेंकने के बाद बॉल वापस छक्के तक पहुंच चुकी होती है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो 1 सेकंड तो बहुत बड़ा टाइम है, मैंने बताया था आप लोगों को 1 सेकंड काफी बड़ा टाइम इंटरवल होता है, 1 सेकंड का रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है। अगर इसका रिएक्शन टाइम आधा सेकंड भी होता तो बिल्ली बच जाती, पर इसका 1 सेकंड है इसलिए बिल्ली उड़ गई, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। को श्रद्धांजलि दे देते हैं। आगे बढ़े, ओके। तो हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ेंगे। देखिए, आपसे कहा जाए कि आपके अकाउंट में एट द एंड ऑफ 3 डेज, तीन दिन जब खत्म हो रहे हैं, तीसरे दिन की शाम को आपके अकाउंट में 100 रुपीज है और 4 डेज के एंड पे आपके अकाउंट में आपने ₹150 पाए, तो मुझे बताइए 4th डे में कितने पैसे आपके अकाउंट में आए, 50 आए ना। वैसे ही मुझे बताना है इस टॉपिक में डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ध्यान दीजिए डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड नहीं है, ये n सेकंड नहीं है, ये क्या है, nth सेकंड। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड, समझ में आई बात। चौथे दिन या चौथे सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 4th सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स, है ना। 3 सेकंड में ऑलरेडी जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है उसको सब्ट्रैक्ट करो 4 सेकंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तब ना 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। देखिए, मान लेते हैं आपने 3 सेकंड्स में ट्रेवल किया है 100 मीटर और 4 सेकंड्स में ट्रेवल किया है 140 मीटर, तो मुझे बताइए 4th सेकंड में कितना ट्रेवल किया, 40 मीटर, हाँ या ना,
कैसे पता? 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम क्लियर एग्जांपल है, ठीक है। तो अब हम इस इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे ये जो लिखा है अकड़म बकड़म, इसकी वजह से मेरे पास जगह नहीं बची, मैं बोर्ड पे ड्राइव कर रहा हूँ, आप लोग यहीं पे कॉपी करिएगा, ठीक है। ये सब कॉपी करने की जरूरत आपको नहीं है। तो मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला। ये मुझे मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड, ठीक है। और n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? ये निकलेगा, n सेकंड का मतलब टाइम कितना हो गया, n सेकंड हो चुके, तो ये आएगा आपका ऐसे यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, हाँ या ना, टी की जगह n लगा दिया है ना, माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड कैसे निकलेगा, यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? सो दिस इज इक्वल टू यू टाइम्स n माइनस आ रहा होगा u, और यहां से u कॉमन ले लिया मैंने, प्लस हाफ a, यहां और यहां से हाफ a कॉमन ले लिया, क्या बच्चा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, तो 1 आ गया, u प्लस हाफ a इंटू, यहां क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना है एन प्लस एन माइनस वन, टू एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी कितना है 1, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को और याद रखेंगे। क्या है फॉर्मूला, displacement in nth second is equal to u plus half a into 2n minus 1। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक बार और सुन लीजिए थोड़ी सी बात, ये जो फॉर्मूला है दिस इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमेशा वैलिड होगा, है ना। इसमें अपन लोगों ने यूज किया है डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड इज इक्वल टू यू प्लस हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, इसलिए ये फॉर्मूला भी सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा वैलिड होगा, ठीक है, इसलिए इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, हमने यहां पर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पे n माइनस 1 का लगाया, फिर से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह यहां पर n यूज किया है और यहां पे n माइनस 1 यूज किया है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया है इन दोनों में से, देखिए यहां यू एन है, यहां यू इंटू एन माइनस 1 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमने ले लिया। आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, एन माइनस एन प्लस 1, That is 1, तो 1 into u is u, और यहां पे क्या आएगा, half a n square minus n minus 1 का whole square, यहां a square minus b square का formula लगाया, फिर से आ गया यहां पे 2n minus 1, ठीक है। दो चार steps लगेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से दो चार steps करके देख लिए आ जाएगा, displacement in nth second का formula आएगा u plus half a into 2n minus 1। देखिए, मैं कई बार इस तरीके से स्टेप्स थोड़ी बहुत स्किप करूंगा, आप लोग खुद से उसको ट्राई करके देखिए, अगर आप डायरेक्टली स्टेप्स स्किप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा बहुत ट्राई करके देखिए, मैथ्स है, बेसिक मैथ्स, क्लास 6-7 की मैथ्स, वही स्किप करता हूं मैं, ठीक है।
किसी भी क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए लेफ्ट साइड वाले पेज का यूज करिए, ठीक है। प्लीज वहीं पे मत करिए अगर आपको जरा भी डर लग रहा है कि क्वेश्चन गलत हो सकता है। आंसर आया किसी का, क्या है? ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दो चीजें हैं, रेस्ट पे स्टार्ट करती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है। ऑल्दो एक्सेलरेशन दिया नहीं गया, हमें शायद अज्यूम करना पड़ेगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, लेट्स से ए है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। मतलब 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट और 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, इसका रेशियो बताना है। और सेकंड पार्ट में पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड के डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। तो बहुत ही आसान है, हमें मालूम है कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। बार बार s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो यूज करते हैं उसमें u की वैल्यू जीरो डाल देंगे। तो क्या होगा, S1 इज इक्वल टू यू तो जीरो है, तो हाफ ए इंटू वन स्क्वायर। S2 इज इक्वल टू हाफ ए इंटू टू स्क्वायर एंड S3 इज इक्वल टू हाफ ए इंटू थ्री स्क्वायर। तो हम क्या बोल सकते हैं, S1 इज टू, S2 इज टू, S3, इन तीनों का रेशियो कितना आएगा, हाफ ए वन स्क्वायर इज टू हाफ ए टू स्क्वायर इज टू हाफ ए थ्री स्क्वायर। हाफ ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, वन स्क्वायर इज टू टू स्क्वायर इज टू थ्री स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू वन इज टू फोर इज टू नाइन, ठीक है। ये काफी काम का रिजल्ट है, आपको याद भी होना चाहिए कि पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर स्टार्ट किया है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से, तो पहले सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तीसरे सेकंड में तक का डिस्प्लेसमेंट, सबका तब तक का डिस्प्लेसमेंट जो है उसका रेशियो क्या होता है, वन स्क्वायर इज टू टू स्क्वायर इज टू थ्री स्क्वायर इज टू फोर स्क्वायर, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। वहीं हमारे नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए। तो फर्स्ट सेकंड में हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, उसका फॉर्मूला हमने अभी भी देखा है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड होता है u प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन। यहां भी u जीरो है, इसको हटा देंगे, क्या बचा, हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन। तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड हो जाएगा हाफ ए इंटू टू एन माइनस वन, दैट इज टू इंटू वन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू हाफ ए इंटू वन, टू इंटू वन टू, माइनस वन वन। डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, हाफ ए इंटू 2 into 2 minus 1, that is equal to half a into 3, और displacement in third second, इसी तरीके से आप solve करोगे तो आपको मिल जाएगा half a into 5. तो यहां पर आप क्या देख सकते हो, displacement in first second is to displacement in second second is to displacement in third second is equal to 1 is to 3 is to 5, ठीक है। ये 1:3:5 के रेशियो में आया, और इसके पीछे एक बहुत ही बेसिक सा मैथमेटिकल रीजन है जिसको मैं थोड़ा बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, एक बार देख लीजिए सब लोग। आप लोगों ने बचपन से खूब सारे स्क्वायर्स क्यूब्स वगैरह देखे, उनमें शायद कुछ पैटर्न्स नोट भी किए होंगे आप लोगों ने, एटलीस्ट आप में से कुछ लोगों ने जरूर नोट किए होंगे।
उन्हीं में से एक पैटर्न मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वन स्क्वायर क्या होता है? वन होता है। टू स्क्वायर क्या होता है? फोर होता है। थ्री स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है ना। ऐसे बहुत सारे स्क्वायर लिख सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते जाते हैं। 8 स्क्वायर क्या होता है? 9 स्क्वायर क्या होता है? चलो और आगे बढ़ते जाते हैं। 20 स्क्वायर क्या होता है? 400। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं इन सब में एक पैटर्न दिखाने की कोशिश करूंगा कि वन स्क्वायर और टू स्क्वायर का जो डिफरेंस है, टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, फोर माइनस वन कितना आ रहा है? थ्री। और वन प्लस टू कितना आ रहा है? नाइन स्क्वायर और सिक्सटीन, सॉरी थ्री स्क्वायर और फोर स्क्वायर, सिक्सटीन माइनस नाइन कितना आ रहा है? सेवन आ रहा है। फोर प्लस थ्री कितना आता है? फोर और नाइन डिफरेंस कितना आया? फाइव। और टू और थ्री का सम कितना आया? पैटर्न समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। 64 और 81 का डिफरेंस कितना है? 9 और 8 का सम कितना है? 400 और 441 का डिफरेंस कितना है? 20 और 21 का सम कितना है? समझ में आई बात? सॉरी 41। तो बेसिकली अगर नंबर्स का डिफरेंस सिर्फ 1 है ना, सिर्फ 1 है 3 और 4, तो जो उसके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो बेसिकली नंबर्स का सम है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, अगर मेरा ए माइनस बी वन हो जाए तो स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? सिंपली नंबर्स का सम होगा, है ना। तो इसी वजह से आप ऐसे बहुत सारे स्क्वायर्स इजिली याद कर सकते हैं। जैसे 21 का स्क्वायर अब याद करना पड़ेगा? सिर्फ 400 में दोनों का सम जोड़ दीजिए, आंसर ठीक है। और ये पैटर्न भी आप देखिए, यहां पे अगर जीरो स्क्वायर भी डाल दूं तो ये तो जीरो ही होगा। एक और पैटर्न देखिए, यहां क्या आ रहा है? 1, 3, 5, यही तो रेशियो है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड के जो रेशियो आ रहे हैं वो क्या आ रहा है? 1:3:5:7, यही आ रहा है ना। और टोटल का क्या आ रहा है रेशियो? 1:4:9:16:2 एंड सो ऑन, ठीक है। समझ में आई बात? ये मैथमेटिकल पैटर्न है, बिल्कुल बेसिक सा, इसमें कुछ फिजिक्स नहीं है, ठीक। तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले टॉपिक में कुछ है नहीं, आप लोगों के लिए है ये, सिर्फ मैंने सिर्फ लिखा हुआ है, जो भी फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े हैं उसको एक बार वापस देख लेंगे। ज्यादा कुछ नहीं है, तीन चार ही हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तो बेसिक हो गए, बचपन से आते हैं। फिर दो प्रवीण सर ने दिए और एक nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। मैं इसमें बात करने को बहुत सारी बातें कर सकता हूं, पर उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम अर्थ के सरफेस के पास में कोई भी चीज ड्रॉप करें, किसी भी चीज को ड्रॉप करें, चाहे स्टोन ले लो, चाहे रुई ले लो, चाहे लोहा ले लो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, कितना भी भारी ले लो, कितना भी हल्का ले लो, छोटा ले लो, बड़ा ले लो, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर बीच में एयर नहीं आती है, तो सब कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से गिरता है। उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो हल्की चीजें हैं वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं, बट अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं हो, सिर्फ अर्थ के इफेक्ट को देखा जाए, तो सबका एक्सेलरेशन सेम होता है। और वो वैल्यू कितनी होती है एक्सेलरेशन की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल जी से, और वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे जी की वैल्यू होती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है, ठीक है। और कभी जरूरत पड़ने पे पाई स्क्वायर की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा रूट 10 कितना होता है मालूम आप लोगों को? अप्रोक्सीमेटली 3.16 होता है। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि इरेशनल नंबर है, बट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 3.16। और पाई कितना होता है? 3.14। तो पाई का स्क्वायर पता है कितना होता है? इज अप्रोक्सीमेटली 9.9। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बट 9.9 के आसपास आएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो पाई स्क्वायर जो है ना,
वो ज्यादा एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है जी का इन कंपेरिजन टू 10। पाई स्क्वायर ज्यादा क्लोज है 9.8 के इन कंपेरिजन टू 10, तो जरूरत पड़ने पे हम पाई स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे सर हम ऐसे पाप क्यों करेंगे, तो देखो उसका बहुत बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है, कुछ खास नहीं है, बेसिक सा रीजन है। आपको पेंडुलम तो सुना होगा आप लोगों ने, आगे जाके पढ़ना भी है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम डिराइव भी करेंगे, बट फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2π रूट अंडर एल बाय जी। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो और जी की वैल्यू 10 ले रहे हो तो गधे हो। क्या करना चाहिए, पाई स्क्वायर लो, पाई स्क्वायर का रूट पाई, पाई पाई खत्म। समझ में आई बात? ठीक है, अब आप बोलोगे सर 9.8 कब लें, कब लें? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन में, सर बताया नहीं सर 10 लेना है कि 9.8 लेना है, मैंने 9.8 लेके सॉल्व किया आंसर गलत आ गया, अगले क्वेश्चन में मैंने 10 लेके सॉल्व किया फिर आंसर गलत आ गया। अबे यार कर लफड़ा क्या है? तो देखो अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो फाइनल और उसमें आपको कभी जरूरत पड़ी जी की वैल्यू की, देखिएगा पेपर में हमेशा मेंशन होगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो क्वेश्चन बुकलेट की शुरुआत में मेंशन होगा, लेकिन मेंशन जरूर होगा। अगर मेंशन नहीं है तो जी को आप 9.8 लोगे क्योंकि वो सही वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जब आप घर पे सॉल्व कर रहे हो तो बुक वाले कभी 10 लिख देते हैं, कभी 9.8 लिख देते हैं, एक क्वेश्चन में 9.8 लिखेंगे अगले में 10 लिख देंगे, आप कैसे सब। तो देखो मैंने यहां पे एक रूल देखा है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में काम कर जाता है, कभी कभार वो भी काम नहीं करता। वो रूल क्या है, जिससे कैलकुलेशन आसान पड़े वो ले लो, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन आसान पड़े वो ले लो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने कभी आपसे कैलकुलेशन कराने की कोशिश नहीं की होगी, वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरे बुकलेट में आप देखोगे 99% केसेस में आपको 10 लेना होगा, बट कभी कभार 9.8 लेने से कैलकुलेशन आसान भी होती है। कैसे? मान लो कभी आपको रूट निकालना है अंडर रूट ऑफ 5g, तो जरा देखो तो अगर आप जी को 10 लोगे तो रूट 50 हो जाएगा, और रूट अगर आप जी को 9.8 लोगे तो रूट 49 हो जाएगा। कौन सी कैलकुलेशन आसान है? समझ में आई बात? तो 9.8 के साथ भी अच्छी बात क्या है, ये 7 स्क्वायर बाय 5 है। तो कई बार 9.8 लेने से भी कैलकुलेशन आसान पड़ती है। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको जी में कुछ ऐड करना होता है, और जी में जो ऐड करना है वो 1.2 है। अब आप बताइए आप जी को 10 लोगे या 9.8 लोगे? समझ में आई बात? ये बेसिक चीजें हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान पड़ जाए वो ले, कोई दिक्कत? ओके, तो अगला क्वेश्चन बहुत काम का क्वेश्चन है कि सर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? हम डिसाइड करेंगे, हमको इतनी आजादी दी है फिजिक्स ने, जिधर मर्जी प्लस लो उधर जिधर मर्जी माइनस लो। अगर मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रखा है तो जी निगेटिव हो जाएगा, अगर मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रखा है तो जी पॉजिटिव हो जाएगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ बुक्स में आप लिखा हुआ देखोगे जी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है इसलिए हमेशा निगेटिव होता है, गधा है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा है और निगेटिव डायरेक्शन कौन सा है। वो मुंह के बैठा है, इधर भी मुंह कर लेगा उधर पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर की तरफ मुंडी कर लेगा ऊपर पॉजिटिव, नीचे की तरफ मुंडी कर लेगा नीचे पॉजिटिव, उसकी इच्छा। समझ में आई बात? तो पॉजिटिव और निगेटिव का क्या आंसर है, हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक दिखाया था सहूलियत का एक तरीका क्या होता है, जिधर इनिशियल वेलोसिटी ना उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, सिखाया था ना, मतलब उससे जनरली आपको कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। उसके अलावा आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि कब किधर पॉजिटिव लें किधर नेगेटिव लें। ओके, तो अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में कि उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसमें कुछ केसेस देखेंगे। पहला केस है वर्टिकल प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड, मतलब किसी बॉल को हमने वर्टिकली फेंक दिया है, वर्टिकली अपवर्ड, तो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा जाकर वापस नीचे आ जाएगा। मैं इस पूरे मोशन के बारे में बात कर रहा हूं,
ऊपर जाने का भी और ऊपर से वापस आने का भी। इस पूरे मोशन के लिए मुझे क्या बताना है? इस क्वेश्चन में दे रखा है अगर इनिशियल वेलोसिटी यू से फायर किया गया है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से बॉल वापस ग्राउंड को हिट करेगी, मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंचेगी, ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत लफड़ा है ना, सब किया हुआ है ना आप लोगों ने बचपन में। एक बार फिर से मैं फटाफट कर देता हूं और उस सारे रिजल्ट अपन लोग याद कर लेंगे। वैसे मैं रिजल्ट पहले लिख देता हूं, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो हो जाएगा 2u/g। ये आपको याद रखना है। एक्चुअली आप अभी और नाइन्थ क्लास में फर्क ये है कि नाइन्थ क्लास में आप हर बार इसको डिराइव करना अफोर्ड कर सकते थे, अभी भी आप चाहो तो डिराइव कर सकते हो इन सबको जरूरत पड़ने के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन बना बना के। बट अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो, अगर आपको रिजल्ट याद हो, इसको फॉर्मूले नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रिजल्ट्स कहेंगे। रिजल्ट्स ऑप्शनल होते हैं, फॉर्मूले कंपलसरी होते हैं। ये याद रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस फास्ट होंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u/g। मैक्सिमम हाइट कितना होता है, मैक्सिमम हाइट अगर इसको मैं h बोल दूं तो मैक्सिमम हाइट होता है u²/2g। वेलोसिटी विद विच बॉल हिट्स द ग्राउंड, जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका वापस उतनी वेलोसिटी से आएगा। क्यों आएगा? एक तो आप इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होगा? इसलिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू के बराबर ही होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, माइनस यू। ठीक है, ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम, तो देखो सीधी सी बात है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, अगर जी कॉन्स्टेंट है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। टी अप इज इक्वल टू टी डाउन, तो ऑब्वियसली टोटल टाइम का आधा होगा, कितना हो जाएगा, u/g। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। टी अप इज इक्वल टू टी डाउन में एक चीज का और ध्यान रखना है, सिर्फ ग्राउंड से ऊपर और ऊपर से ग्राउंड के बारे में बात नहीं कर रहे, मैं कोई भी दो पॉइंट ले लू, ये वाले हाइट ले लू h1 और ये वाला हाइट ले लू h2, तो यहां से ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहां से वापस इस पॉइंट तक आने में लगेगा। मतलब h1 से h2 जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम h2 से h1 आने में भी लगेगा। ये मतलब है टी अप इज इक्वल टू टी डाउन। हालांकि पूरे मोशन के लिए, पूरे अपवर्ड मोशन के लिए टाइम कितना लगेगा, u/g, पूरे डाउनवर्ड मोशन के लिए कितना टाइम लगेगा, u/g। बीच में ये वाला टाइम u/g नहीं होगा, पर जो टाइम यहां लगेगा वही टाइम यहां भी लगेगा। समझ में आई बात? टी अप इज इक्वल टू टी डाउन, ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम बिटवीन सेम टू हाइट्स सेम रहेगा, कोई दिक्कत? ठीक, अब एक बार इन सबको डिराइव करते हैं। पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट, हम ऊपर की तरफ प्लस ले लेते हैं, नीचे की तरफ माइनस ले लेते हैं, डायग्राम तो अपना पहले से बना हुआ ही है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इनिशियल वेलोसिटी यू है, एक्सेलरेशन माइनस जी है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, और अपवर्ड को अपन ने पॉजिटिव लिया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है और टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बताना है। हम यहां इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at² अप्लाई करेंगे, 0 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी t², दिस इंप्लाइज 2ut माइनस जी t² इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t इंटू 2u माइनस gt इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2u/g। t के दो आंसर आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है और 2u/g भी आ रहा है। ये 0 क्यों आया, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है यार इनिशियली भी डिस्प्लेसमेंट 0 कब था, हमने क्वेश्चन से क्या पूछा भाई बता डिस्प्लेसमेंट 0 कब है, तो इनिशियली भी 0 था। ये ज्यादा समझदार है अपन से, अपन ने नहीं सोचा, इक्वेशन ज्यादा समझदार है, इक्वेशन बोला नहीं भाई तूने जो पूछा उसका आंसर दूंगा, तू जो चाह रहा है उसका आंसर नहीं दूंगा। हमने क्या चाहा बताओ हाइट कितना है, लेकिन पूछा उसको क्या पूछा बताओ डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, इक्वेशन से पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, उसने बोला दो बार 0 होगा, एक बार टी इज इक्वल टू 0 पे तो 0 होगा ही होगा और दोबारा होगा 2u/g पे, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u/g। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट,
या उससे पहले वेलोसिटी विद विच बॉल हिट्स द ग्राउंड बताते हैं, ठीक है। वेलोसिटी विद विच बॉल हिट द ग्राउंड, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से पूरे मोशन को कंसिडर करना पड़ेगा, ऊपर जाके वापस नीचे आने तक का पूरा मोशन कंसिडर होगा, है ना। इसमें फिर से क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन माइनस g है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, और इस पर v निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमने अप्लाई किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वी विल गेट v इज इक्वल टू u, क्योंकि s तो 0 है। v इज इक्वल टू u नहीं आएगा, माइनस u आएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर आया है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर आया है, v क्या आएगा, प्लस u या फिर माइनस u, आपको सिलेक्ट करना होगा, माइनस u है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। इसके बाद हम मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम हाइट का मतलब हमें अब पूरे मोशन के बारे में बात नहीं करनी, हमें सिर्फ नीचे से ऊपर जाने तक के मोशन के बारे में बात करनी है, ठीक है, यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक का मोशन, ठीक। इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी तो यू है, एक्सेलरेशन माइनस जी है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, क्यों, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, वहां से मुड़ के वापस आ रहा है ना, तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। और हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू हाइट, ये कितना है, ठीक। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, दिस इंप्लाइज हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g, वहां तक गया। t अप और t डाउन निकालना है, तो मैं काम कर रहा हूं, t अप निकालता हूं, फॉर t अप, ऊपर जाने का टाइम अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहां से यहां तक का मोशन कंसीडर करेंगे, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन माइनस g है, डिस्प्लेसमेंट h है, टाइम फाइनल वेलोसिटी, अच्छा हमें निकालना क्या, टाइम बताना है ना, तो डिस्प्लेसमेंट h नहीं कर रहे अपन, बोल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो है और टाइम हमें बताना है, ठीक है। क्या करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at अप्लाई करेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at अप्लाई किया, हमें क्या मिला, टाइम t इज इक्वल टू u बाय g, क्योंकि v जीरो है, ठीक है। आप ट्राई कर लेके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे कितना आएगा टाइम, u बाय g, तो ऊपर जाने का टाइम u बाय g है, टोटल टाइम 2u बाय g है, इसलिए t डाउन कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा u बाय g, आधा टाइम ऊपर जाने में, आधा टाइम नीचे आने में, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो। क्या क्या लिखा है मैंने, मैंने बताया है कि अगर ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन के बारे में बात करें, बॉल को ऊपर फेंक दें, बॉल ऊपर जाके वापस नीचे आए, तो इसके लिए आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u बाय g है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u थी तो, ठीक है। आपका मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंचेगा, ये u स्क्वायर बाय 2g तक पहुंचेगा। इसमें आपका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो माइनस u होगा, मतलब ये ऊपर की तरफ u से गया है तो नीचे की तरफ u से ये टकराएगा ग्राउंड से। और इसके बाद क्या बात करी है हमने, हमने बोला है t अप इज इक्वल टू t डाउन, ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम बराबर रहेगा। ये बेसिक सी बातें हैं, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इसके फॉर्मूले से ज्यादा रिजल्ट है, मैंने बोला था ऑप्शनल है, मैंने बोला था, बट फिर भी आप इसको याद रखोगे आपको बहुत फायदा होगा। इस चैप्टर से ज्यादा फायदा अगले चैप्टर में होगा, अगला चैप्टर मतलब मोशन का अगला चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिसको आप इस तरीके से, अगर आपने ये सारे फॉर्मूले याद रखे हैं तो आपको याद ही नहीं करने पड़ेंगे, वो थोड़े लंबे होते हैं, ये छोटे हैं, उसको अगर अगर आप ये याद नहीं करोगे तो उसको याद करना पड़ेगा और उसमें ज्यादा मेहनत है। अगर आपको ये याद है तो वो वाले याद करने ही नहीं है, वो ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कॉपी कर लीजिए सब लोग फटाफट, या कर लिए, बस स्टॉप। अरे ऐसे भाई, ऐसे बात समझो, ऐसे थोड़ी ना कि पार्टिकल घूम के आ रहा है,
पार्टिकल तो सीधे गया, सीधे आया, लेकिन वैसे ड्रॉ करेंगे तो कुछ समझ में थोड़ा ना आएगा, इस तो ड्रॉ कैसे करते हैं, ये तो पहली क्लास में सीखा था ना अपन ने। आगे बढ़े, अगला पार्ट है सेम टॉपिक का, ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट, मतलब एक हाइट से बॉल को ड्रॉप कर दिया गया। हमने हम क्या किया, हम छत पे गए एच हाइट की, यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया हमने, ये बॉल आके ग्राउंड से टकरा गई। इस मोशन के बारे में बात करनी है, ठीक। अब इस मोशन में क्या बात करेंगे, हमने क्या किया, ध्यान दीजिए टॉपिक क्या है, ड्रॉपिंग फ्रॉम अ हाइट। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, बस छोड़ दिया, सिर्फ हमने छोड़ दिया है, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है। अगर हमने सिर्फ इसे छोड़ दिया है, इसे इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की है, तो मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। इसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कितना, जी है। अब क्योंकि सब कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मैंने एक काम किया, नीचे को पॉजिटिव मान लिया, ऊपर को नेगेटिव मान लिया। आप चाहो तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लेके काम कर सकते हो, पर मैं क्यों करूं, जब मेरा सब कुछ पॉजिटिव नीचे की तरफ ही जा रहा है तो मैं नीचे पॉजिटिव ले लेता हूं। तो ये बॉल जाके नीचे कोलाइड करी, फाइनल वेलोसिटी वी है। हमें बताना है इसने कितना टाइम लिया नीचे आने में और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को, ग्राउंड से कोलाइड करी। मैं क्या बोलूंगा यहां पर, आप देखिए जरा, इस साइन कन्वेंशन में भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जी है, डिस्प्लेसमेंट एच है, हमसे टाइम पूछा गया है, तो मैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने अप्लाई किया एच इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज टाइम कितना आ गया, देखिए जरा, टू एच बाय जी का रूट, अंडर रूट ऑफ 2h by g, ये आपका टाइम आ गया। इतने टाइम में बॉल आके ग्राउंड से टकरा जाएगी। अगर हमसे टाइम नहीं पूछकर वेलोसिटी पूछा गया होता, टाइम नहीं पूछा गया है, वेलोसिटी पूछा गया होता, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते, v square is equal to u square plus 2s, तो हमने वो अप्लाई किया, v square is equal to u square is 0 square plus 2gh, तो हमें क्या मिला, v is equal to under root of 2g H। ये हमारी वो वेलोसिटी है जिससे बॉल ग्राउंड से टकरा रही है, ठीक है। कितना टाइम लगा, अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, कितने वेलोसिटी से टकराई, रूट 2gh, ठीक है। कोई दिक्कत, कॉपी कर लो, फिर एक बात बताऊंगा। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया, ओके। तो पिछले जो रिजल्ट्स हैं, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम लोगों ने जब रूफ से बॉल को ड्रॉप किया एच हाइट की, तो इसको ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लगा, अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी, और ये कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को कोलाइड की, ग्राउंड से कोलाइड किया, अंडर रूट ऑफ 2gh। आप यहां एक चीज बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं,
कि आपका ये जो v है दैट इज इक्वल टू जी टी है ना, ये तो होगा ही ना, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो v इज इक्वल टू जीरो प्लस जी टी आंसर, ठीक है। और ये दोनों रिजल्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन एज वेल एज दिस चैप्टर, ठीक है। अंडर रूट ऑफ टू जी एच वेलोसिटी होती है और अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी क्या होता है, टाइम होता है। ओके, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही अगला केस है प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने प्रोजेक्शन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड देखा, हमने ड्रॉपिंग फ्रॉम टावर देखा, अब हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। अब प्रोजेक्शन का मतलब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, वो हमें प्रोजेक्टाइल में पढ़ना होगा। अभी हम बात कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन एंड वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्शन। मान लेते हैं स्पीड v से हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड अलग अलग केसेस में प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक। ये बॉल ऊपर जाकर ऐसे जाकर नीचे गिरेगी और ये सीधे जाकर नीचे गिर जाएगी, ठीक है। ये ऊपर जाके नीचे आएगी, सीधे जाके नीचे आ जाएगी। इसके केस में क्या खास बात है, अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लूं तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, एच या माइनस एच, माइनस एच होगा क्योंकि नीचे जा रहा है ना, इनिशियल पोजिशन ऊपर है, फाइनल पोजिशन नीचे है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच है, ठीक है। अब इसके बाद आप टाइम निकाल सकते हो और फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। ध्यान रखिएगा ये भी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा है, ठीक है। ये भी और ये भी सेम नहीं है, प्लीज, वो सिर्फ नोटेशन सेम है, ठीक है। मान लीजिए यहां पे 2 मीटर पर सेकंड दे रखा होता तो यहां 2 मीटर पर सेकंड लिख देता, पर यहां पर 2 मीटर पर सेकंड नहीं लिखता मैं, ठीक है। इस केस में अगर मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, अपवर्ड को नेगेटिव ले लिया, तो यहां क्या लिख सकता हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस वी, एक्सेलरेशन प्लस जी है, डिस्प्लेसमेंट भी प्लस एच है, टाइम भी निकाल सकते हो और फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो जो पूछा जाए, ठीक है। अगर आप दोनों को ट्राई करते हो तो एक बहुत मजेदार रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या है, दोनों ही केस में वेलोसिटी जो है वो सेम होती है। कितनी होती है वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी वी है तो वेलोसिटी विथ विच बॉल्स स्ट्राइक द ग्राउंड, ये कितना होता है, ये सिंपली होता है अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस टू जी एच। आप दोनों में से कोई भी केस सॉल्व कर सकते हो, यही आंसर आएगा, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस टू जी एच, इस केस का भी और इस केस का भी, दोनों ही केसेस का आंसर सेम आएगा जब आप निकालना चाहोगे कि फाइनली ग्राउंड से कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है। ध्यान देने वाली बात है ये कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए यहां पर अगर आप टोटल एनर्जी के बारे में बात करोगे, ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हुए अगर आप यहां पर टोटल एनर्जी के बारे में बात करोगे तो क्या आएगा, mgh पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, और इस केस में भी mgh पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। दोनों केस में इनिशियल एनर्जी सेम है तो फाइनल एनर्जी भी तो सेम होना पड़ेगा ना, इसलिए दोनों ही केस में फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है, वी स्क्वायर प्लस टू जी एच का रूट। ये भी आप याद रखेंगे कितना होता है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये भी याद रखने वाला नंबर है, ठीक है, कॉपी कर लो। तब भी सेम आए, यही तो सिखा रहे हैं आपके, साइन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर को, आप साइन कुछ भी लो आंसर सेम आएगा। हाँ, इस साइन कन्वेंशन में पहले वाले केस में आंसर नेगेटिव आएगा, दूसरे वाले केस में आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों बात सेम कहेंगे, ये कहेगा नेगेटिव डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये कहेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों ही क्या कह रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी है, बात तो एक ही कह रहे हैं ना,
देखिए ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप लोग सब क्लास 9 में पढ़ के आए हो, लेकिन सब अब याद रखना है, ठीक है? क्योंकि इस जब ये वाली चीजें आएंगी मैं टाइम नहीं दूंगा आगे, मैं सीधे उड़ा दूंगा हवा में क्वेश्चन, ठीक है? कॉपी कर लिया? ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करने हैं, नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करेंगे। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका गया है बॉल को 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। फाइंड द टाइम आफ्टर विच द बॉल इज फाउंड एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर। कितने टाइम के बाद बॉल 45 मीटर की हाइट पे पाई जाएगी, ये पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ये बॉल है, इसको ऊपर फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से, बोला गया है बताओ कितने टाइम के बाद ये 45 मीटर की हाइट पे मिलेगा। 45 मीटर की हाइट पर कितने टाइम के बाद ये मिलेगा? तो हमने क्या किया, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले लिया। हम क्या बोल सकते हैं, यू इज इक्वल टू 50 है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी है। देखो सब कुछ 10 और 45 ऐसा दिख रहा है, इसलिए मैं जी को 10 ले लूंगा, ठीक है, बाद में। और एक्सेलरेशन ये इतना आ गया, डिस्प्लेसमेंट दे रखा 45 मीटर, टाइम आपसे पूछा गया है, यही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने यूज किया फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें मिला 45 इज इक्वल टू यूटी मतलब 50 टी माइनस हाफ जी स्क्वायर। जी को 10 डाल देते हैं तो क्या आएगा, 45 इज इक्वल टू 50 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, वी विल गेट 9 इज इक्वल टू 10 टी माइनस टी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर माइनस 10 टी प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए
मैंने स्टेप स्किप किए, फिर से फैक्टराइजेशन ओरल कर दिया है, ठीक है। टी माइनस वन इंटू टी माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू वन सेकेंड और टी इज इक्वल टू नाइन सेकेंड। तो बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है, वन सेकेंड या नाइन सेकेंड? दोनों करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? पूछा क्या गया है, कब पाया जाएगा एट अ हाइट ऑफ 45 मीटर। मतलब यार एक बार तो ये 1 सेकंड में पहुंच जाएगा, फिर ऊपर जाकर वापस नीचे आएगा, जब वापस 45 मीटर पे पहुंचेगा तो टाइम कितना हो रहा होगा, 9 सेकंड, फिर वापस अगले 1 सेकंड में ग्राउंड पे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 10 सेकंड से, 1 सेकंड ऊपर गया, फिर 4 सेकंड और ऊपर गया, फिर 4 सेकंड गिरा तो इस हाइट तक पहुंच गया, फिर 1 सेकंड और लगा टाइम नीचे पहुंचने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है, मैं आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं। क्या है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड टाइम इंटरवल फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स अबव अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स, ठीक है। टाइम इंटरवल बताना है जिसके लिए पार्टिकल 80 मीटर्स से ऊपर रहा है, क्या बोलेंगे। क्वेश्चन तो सेम ही है, कुछ नया है नहीं, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 50 मीटर पर सेकंड थी, बोला है कि 80 मीटर से ऊपर रहना, मतलब ये वाला टाइम बताना है, ये 80 मीटर की हाइट है, 80 मीटर से ऊपर कितनी देर के लिए रहता है ये बताना है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले देखते हैं 80 मीटर पे कब पहुंचेगा, ये देखते हैं, क्या बोलेंगे, u इज इक्वल टू 50, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 80, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, मतलब माइनस 10 लिख दे रहा हूं उसको डायरेक्ट। टाइम निकाल लेता हूं कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल 80 मीटर की हाइट पे मिलेगा। आप इसे सॉल्व करोगे बाय अप्लाइंग इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं फटाफट सॉल्व कर दे रहा हूं, 80 is equal to 50t minus half into 10 into t square. This implies 5t square minus 50t plus 80 is equal to 0. This implies t square minus 10t plus 16 is equal to 0. This implies t minus 2 into t minus 8 equals to 0. This implies t is equal to 2 seconds or t is equal to 8 seconds. तो दो बार इस हाइट में मिलेगा, एक बार 2 सेकंड पे और एक बार 8 सेकंड, ठीक है। इसके बीच में टाइम इंटरवल कितना होगा, 6 सेकंड्स का होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, देयरफॉर पार्टिकल रिमेन्स अबव अ हाइट ऑफ 80 मीटर्स फॉर 6 सेकंड, ये आंसर है, 8 सेकंड माइनस 2 सेकंड। समझ में आई बात, आसान है क्वेश्चन। मैं आप लोगों का टाइम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करने में नहीं वेस्ट करूंगा, मैं डायरेक्ट फैक्टराइज करूंगा और आगे भी और इन चीजों में स्पीड और बढ़ाऊंगा, ठीक है। कॉपी कर लिया, एट माइनस टू इसलिए किए क्योंकि ये बता रहा है कि 2 सेकंड पे आपका पार्टिकल यहां पहुंच गया और 8 सेकंड पे फिर से यहां पाया गया, तो कितनी देर के लिए इससे ऊपर रहा। चलो अगला एग्जांपल है, फ्रॉम द रूट, अच्छा रूट नहीं है ये, गलत टाइपिंग है, रूफ है, ये छत है, बिल्डिंग की जड़ नहीं होती, पेड़ की जड़ होती है। फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 80 मीटर्स A ball is thrown upwards with velocity 30 meter per second. Find the maximum height achieved by the ball, total distance traveled by the ball before hitting the ground, total displacement of ball before hitting the ground. With what velocity will the ball strike the ground? ये चार सवाल पूछे गए हैं एक छोटी सी बात पर। सवाल क्या है, 80 meters की height वाली building है, 80 meters की height है, यहां से बॉल को ऊपर फेंक दिया गया है विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ये घूम फिर के वापस ग्राउंड पे आती है। इसमें बताया, पूछा गया कि बताओ मैक्सिमम कितने हाइट तक गई, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक की, ये चार चीजें पूछी गई, ठीक है। कोई दिक्कत, मेरे को इसमें सबसे आसान लग रहा है ये, विथ वॉट वेलोसिटी विल द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, बहुत ही आसान है। अपन ने फॉर्मूला भी देखा था, क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, सीखा था ना थोड़ी देर पहले,
ये वाला फॉर्मूला देखिए, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस टू जी एच था ना, जितनी भी स्पीड से फेंका है उसका स्क्वायर प्लस टू जी एच का रूट, इतनी स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। नहीं तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे? हम बोलते हैं यार फॉर कंप्लीट मोशन इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30, ये फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन है ये। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 है, ऊपर को पॉजिटिव ले रखा है नीचे को नेगेटिव ले रखा है। एक्सेलरेशन माइनस जी मतलब माइनस 10 लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी जल्दी जल्दी सॉल्व करना है इसको। डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे की तरफ हुआ है कितना 80 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है माइनस 80। हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। क्या अप्लाई किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2h, सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 2 इनटू माइनस 10 इनटू माइनस 80, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू 900 प्लस कितना है ये 1600, दैट इज इक्वल टू 2500। दिस इंप्लाइज v हो गया 50 मीटर पर सेकंड, तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है माइनस 80 मीटर या 80 मीटर डाउनवर्ड्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है 80 मीटर डाउनवर्ड्स और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, या कहना चाहिए माइनस 50 मीटर पर सेकंड क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसका आंसर हो गया माइनस 50 मीटर पर सेकंड या 50 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स। ठीक है, आगे बचे हैं मैक्सिमम हाइट निकालना और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया ये निकालना। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें सिर्फ अपवर्ड मोशन को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का मोशन, ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि फॉर अपवर्ड मोशन अगर सिर्फ अपवर्ड मोशन के बारे में बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, अब सिर्फ अपवर्ड मोशन तक के बारे में बात करें तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब मैं हर बार इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसका आंसर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 45 मीटर। कितना आ जाएगा 45 मीटर। ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s अप्लाई किया, नहीं मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 45 मीटर्स। 45 मीटर्स ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब मुझे इसकी मैक्सिमम हाइट बतानी है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू 80 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 125 मीटर। तो 125 मीटर की हाइट तक ये बॉल जाएगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा 125 मीटर। 80 मीटर्स की हाइट से इसको ड्रॉप फेंका गया है, 45 मीटर और गया, तो टोटल हाइट कितना हो गया 125 मीटर। और अंत में आखिरी है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल कौन बताएगा मुझको, आप लोग ट्राई करिए। तो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस आएगा ऊपर वाला ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है 45 और ये टोटल हाइट कितनी है 125 दैट इज इक्वल टू 170 मीटर। ये आपका आंसर है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 170 मीटर। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, उसके अलग अलग पार्ट्स के आंसर हमने निकाल दिए। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल में हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ इनिशियल और फाइनल से काम नहीं चलेगा, यह भी देखना पड़ेगा कि पार्टिकल मुड़ कहां पे रहा है, कहां पर टर्न कर रहा है, उसका पूरे पाथ के बारे में पता करना पड़ेगा। पार्टिकल जब भी टर्न करता है उसमें अच्छी चीज क्या होती है, वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो उस डेटा का यूज करके आप पता लगा सकते हो कि पार्टिकल कब टर्न किया है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके टर्न किया है, और उसी का यूज करके आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल पाओगे। अभी तो क्वेश्चन आसान था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला था, आगे जब वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें भी डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हम यही टेक्निक यूज करेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी कब जीरो होती है, जब जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी तब तब शायद पार्टिकल टर्न करे। ठीक है, और पार्टिकल कहां कहां टर्न किया है ये देख के हम लोग उसका पाथ बता सकते हैं और उस पाथ की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं।
इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल निकाला जाता है। इसको कॉपी कर चुके हैं सब लोग? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा नहीं, सॉरी, सही सही, चलिए मैं ट्राई करता हूँ, आप लोगों से तो हो नहीं रहा, गधे हो सब। देखो, 2 seconds after dropping a ball from the top of a very high tower, another ball is thrown downwards with velocity 10 meter per second। मतलब एक बॉल को ड्रॉप किया, उसके 2 सेकंड बाद दूसरी बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया 10 meter per second से। पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 3 seconds आफ्टर ड्रॉपिंग द सेकंड बॉल। मतलब ड्रॉपिंग नहीं लिखना चाहिए, थ्रोइंग द सेकंड बॉल लिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, देखिए पहली बॉल के बारे में बात करते हैं। पहली बॉल को बस ड्रॉप कर दिया, कब ड्रॉप किया, t इज इक्वल टू जीरो पे ड्रॉप किया। 2 सेकंड्स के बाद दूसरी बॉल को पीछे नीचे की तरफ फेंक दिया है 10 meter per second से, ठीक है। हमसे बोला क्या गया है कि दूसरी बॉल को फेंकने के 3 सेकंड बाद बताओ दोनों बॉल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर t इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी हो चुका था, इसके लिए 3 सेकंड हुआ, इसके लिए कितना हुआ है 5 सेकंड हुआ है। तो ये 5 सेकंड से गिर रहा है, 5 सेकंड में कितना नीचे आ जाएगा, 5 सेकंड का टाइम दिया गया। तो क्या बोलेंगे, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रखा है जी है, डिस्प्लेसमेंट बताना है अगर टाइम 5 सेकंड। आप यहां पे अप्लाई करोगे कौन सा फॉर्मूला, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 125 meters, ठीक है, आसानी से आ जाएगा, आप लोग सब ट्राई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं सेकंड केस के बारे में बात करूं तो इसको कितना टाइम मिला है, 3 सेकंड मिला है। तो इसके लिए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए 10 meter per second है, एक्सेलरेशन इसका भी g है मतलब 10 है, डिस्प्लेसमेंट इसका भी निकालना है, टाइम इसका 3 सेकंड। तो यहां पर अगर मैंने फिर से फॉर्मूला अप्लाई किया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
तो मिल जाएगा मुझको 45 + 30 75 meters, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 75 meters। तो अब मुझे अगर इन दोनों में डिस्टेंस निकालना है, दोनों बॉल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ये 125 मीटर नीचे आ चुका है, दूसरी बॉल सिर्फ 75 मीटर नीचे आई है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 125 - 75 दैट इज इक्वल टू 50 meters, इतना डिफरेंस रहेगा, इतना डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, कॉपी कर लिया सबने, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। ये अगला एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा है जो, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको जितना टाइम चाहिए वो मैं क्लास में दे नहीं पाऊंगा। ठीक है, वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा इसलिए क्योंकि कुछ चीजें सीखने के लिए। ठीक, तो मैं इसको एक बार सॉल्व करता हूं पूरा प्रॉपर मेथड से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 26। क्या दिया गया है कि आपके पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के रूफ से एक बॉल को ऊपर फेंक दिया गया, ये बॉल ऊपर जाकर नीचे आई, इसको टाइम लगा पूरी जर्नी में T1। दूसरी बॉल को सेम स्पीड से नीचे फेंक दिया, अब देखिए वो स्पीड दी नहीं गई है पर सेम है, तो अज्यूम करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैंसिल कैसे होगा। तो यहां पर स्पीड u है तो यहां पर भी स्पीड u है, लेकिन इस बार स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहा गया है ये ग्राउंड पे पहुंचती है कितने टाइम में, T2 टाइम में। पूछा गया है कि अगर मैं तीसरी बॉल को सिर्फ ड्रॉप कर दूं तो वो कितनी देर में पहुंचेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको u नहीं दिया गया है, आपको h नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, लेकिन दूसरी चीज में क्या एज्यूम करने वाला हूं, इसकी हाइट एच, क्यों, ये तीनों में यूज होगा, इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा, इसमें भी यूज होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक जो अपने हमने अभी सीखी है ना, वो सब एक साथ लगानी है इसमें। अब मैं एक काम कर रहा हूं, अब अलग अलग बॉल्स की इक्वेशन लिखता हूं, इसको लिखता हूं बॉल नंबर 1, इसको बोलता हूं बॉल नंबर 2, इसको बोलता हूं बॉल नंबर 3। तो मैंने तीनों के लिए अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया, में कोई दिक्कत होगी नहीं अपन। तो बॉल वन के बारे में अगर बात करते हैं तो बॉल वन ने क्या हरकत करी है, बॉल वन के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है माइनस एच, और आपका टाइम दे रखा है आपको T1। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनेगी इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आएगा, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर, या फिर एच इज इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर माइनस यू T1। ये आप बॉल वन की, ठीक है, ऐसे ही मैं बॉल टू की इक्वेशन बनाऊंगा। बॉल टू की इक्वेशन क्या है, बॉल टू के लिए इक्वेशन है, मतलब डेटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस यू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस एच, टाइम इज इक्वल टू T2। हम यहां पे भी अप्लाई कर देंगे वही फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू T2 माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर, सारे माइनस प्लस हो गए, एच इज इक्वल टू यू T2 प्लस हाफ जी T2 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए यहां पर बॉल 3 के लिए मेरे पास चॉइस है, मैं सीधे से इसका टाइम लिख दो अंडर रूट ऑफ 2h/g, या इक्वेशन लिखो, है ना, या इसके लिए इक्वेशन लिखो, देखो इक्वेशन लिखूंगा तो इसी फॉर्म में आएगा,
और अगर सिर्फ सिर्फ टाइम की का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं तो वो दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, उसको मैनिपुलेट करना ज्यादा मुश्किल होगा, है ना। तीनों इक्वेशन सेम फॉर्म में हुई तब तो उसके साथ आपस में खिलवाड़ करना आसान होगा ना, अलग अलग फॉर्म में हुई तो सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल पड़ेगा ना इक्वेशन। इसलिए हम चाहते हैं तीनों इक्वेशन सेम फॉर्म में हो, इसलिए तीसरी बॉल के लिए भी इक्वेशन लिखेंगे। बॉल थ्री के लिए क्या लिखेंगे? बॉल थ्री के लिए देख इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि इसको हमने ड्रॉप किया है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन माइनस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है माइनस एच, और टाइम मुझे निकालना है, ठीक है। क्या इक्वेशन लगेगी? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस एच इज इक्वल टू हाफ या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन थ्री। यहां तक का काम आसान था, तीन बॉल है, तीनों की इक्वेशन लिखनी है, लिख दी, है ना। अब बात आती है इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट पार्ट क्या है इन इक्वेशन, खासतौर एट अ बिग क्लास इलेवंथ में एकदम शुरू में हो तो तीन इक्वेशन एक साथ हैंडल करना वैसे भी नहीं आता, है ना। तो यहां जाके आपको जो मैं शुरुआत से सिखा रहा हूं ना कि नेवर लुक फॉर व्हाट इज रिक्वायर्ड बट लुक फॉर व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए टी वन और टी टू तो गिवन है, उसी के टर्म में तो आंसर बताना है। क्या गिवन नहीं है? एच यू और इसका टाइम टी, ये तीन चीजें गिवन नहीं है। एच नहीं गिवन, यू नहीं गिवन है, और यहां पे टाइम टी टी तो चाहिए, टी तो चाहिए। क्या नहीं चाहिए? एच और यू, एच और यू नहीं चाहिए। तो मैं एच भी हटाना चाहता हूं और यू भी हटाना चाहता हूं। मेरे पास इसके लिए तीन इक्वेशन है। अब जरा देखते हैं यार, एच तो फर्स्ट इक्वेशन में भी आ रहा है, सेकंड इक्वेशन में भी आ रहा है, और थर्ड इक्वेशन में भी आ रहा है ना। लेकिन यू है जो सिर्फ फर्स्ट में आता है और सेकंड में आता है, यू टी टू और यू टी वन, ठीक है ना। यू सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, यू को हटाने के लिए सिर्फ फर्स्ट और सेकंड का यूज किया जा सकता है, थर्ड का यूज नहीं किया जा सकता। इट्स बेटर कि आप यू को यहां हटा दो, वन और टू का यूज करके यू को हटा दो, तब जाके आप एच को थर्ड के साथ हटा पाओगे और आंसर आ जाएगा। अगर आपने यहां पर यू हटाने के बजाय एच हटा दिया तो थर्ड में तो एच बचा हुआ ही रह गया, समझ में आई बात। इसलिए वन और टू का यूज करके क्या हटाएंगे हम लोग? यू को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? यहां यू टी टू और यहां यू टी वन, क्या कर सकते हैं? पहले इसको टी वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको टी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और एड कर देंगे। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर वन इंटू टी टू प्लस इक्वेशन नंबर टू इंटू टी वन, ठीक है। वन को टी टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू को टी वन से मल्टीप्लाई कर दिया और एड कर दिया। एड क्यों किया? क्योंकि यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, अपने आप ही आप देखोगे यहां यू टी टू टी वन बन जाएगा, यहां यू टी वन टी टू बन जाएगा, एड करोगे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा फिर एलएचएस में? एच इंटू टी टू प्लस टी वन आ जाएगा, इसमें टी टू आ जाएगा, इसमें टी वन आ जाएगा, एच टी टू प्लस एच टी वन, एच टी टू प्लस टी वन। यू वाला पार्ट खत्म हो चुका है, यहां पे बचेगा इज इक्वल टू, इसको टी वन से मल्टीप्लाई किया था, हाफ जी टी टू स्क्वायर टी वन, और इसको टी टू से मल्टीप्लाई किया था प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर टी टू, ठीक है। अगर आप यहां फिर से थोड़ा सा अक्कल लगाओगे तो क्या दिखेगा आपको? एच इंटू टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू, यहां से आप हाफ जी टी वन टी टू कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा? टी टू प्लस टी वन, और अच्छे से यहां टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू, दिस इज योर इक्वेशन फोर। और अभी तक आपने इक्वेशन नंबर थ्री का यूज किया ही नहीं है, एच एलिमिनेट करना देखिए कितना आसान है, समझ में आई बात। अब बस कंपेयर भी कर दोगे तो काम हो जाएगा। कंपेयरिंग थ्री एंड फोर वी विल गेट हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी टी वन टी टू, हाफ जी मर गए, टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी वन टी टू, ये आपका आंसर है, सिंपल सा आंसर, समझ में आई बात। इक्वेशन को हैंडल करना
ये कॉपी कर लो। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक समझ में आ रही है ना आप लोगों को? पक्का? देखिए इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हो चुकी है, हम लोग सिर्फ बस क्वेश्चन ही कर रहे हैं, अब आगे कोई भी थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लिया होगा आई गेस। चलिए भाई इतना टाइम तो मुझे सॉल्व करने में नहीं लगा था जितना आपको कॉपी करने में लग गया। चलिए अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक क्या है? चोर पुलिस प्रॉब्लम। देखो चोर पुलिस की कई तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पुलिस खुद चोरी करती है, ठीक है, बट हम उस चीज से हमें मतलब नहीं है, हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन कि पुलिस ईमानदार है और चोर को पकड़ रही है तो कितना टाइम लगेगा, पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी, और कितना टाइम लगेगा पकड़ने में अगर पकड़ पाएगी तो। ठीक है, तो हमारे फिजिक्स में हमारी प्रॉब्लम्स काफी सिंप्लीफाइड होती हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि भैया पुलिस जो है वो जासूसी करके पता लगा रही है कि हाँ भैया ये सुराग मिल गया, वो मिल गया, वो सब नहीं। क्या है? सिर्फ चोर भाग रहा है, पुलिस पीछे दौड़ के पकड़ रही है, वो वाला पार्ट है। अब उसमें भी पकड़ने के लिए हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड केस है कि मान लेते हैं ये चोर है और ये पुलिस है। पुलिस चोर को कब पकड़ेगी? अगर चोर ऐसे भाग रहा है, पुलिस पीछे पीछे आ रही है, तो पुलिस चोर को कब पकड़ेगी? जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए? नहीं, जब दोनों की पोजीशन सेम हो जाए। जब दोनों एक साथ एक जगह पे होंगे तो पुलिस चोर को पकड़ लेगी, समझ में आई बात? जब दोनों की पोजीशन सेम हो जाए उस वक्त पुलिस चोर को पकड़ लेती है। हमें जब भी बोला जाए फाइंड द टाइम आफ्टर विच पुलिस कैचेस द थीफ या पुलिस कैचेस द चोर, तो हम क्या निकालेंगे? वो टाइम जिसके बाद चोर और पुलिस दोनों की पोजीशन सेम हो जाती है। तो एक क्वेश्चन है इस पे, पहला, अ थीफ इज रनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। व्हेन ही वॉज 50 मीटर्स अहेड पुलिस स्टार्ट्स टू चेज हिम विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम आफ्टर विच पुलिस कैचेस द थीफ। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है। कहा है कि ये चोर है
थीफ है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, और जिस मोमेंट पर यह पुलिस से 50 मीटर्स आगे था, कितना आगे था, 50 मीटर्स आगे था, उस मोमेंट में पुलिस चेस करना शुरू करती है इसको एट विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। पूछा गया है कि बताइए कितनी देर के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो सॉल्यूशन काफी सिंपल है, देखिए थीफ का जो भी डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ, पुलिस का जो डिस्प्लेसमेंट है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस। वी हैव टू मेक श्योर कि अगर आगे की तरफ पॉजिटिव ले रखा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस इज इक्वल टू 50 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ। ये बेसिक सी इक्वेशन समझ में आई, यही आपको समझना है, इसके अलावा तो बाकी सब आसान है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस इज इक्वल टू 50 मीटर प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ। सो दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस होगा कितना, वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट है, तो कितना होगा 15t इज इक्वल टू 50 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ कितना है 10t। दिस इंप्लाइज 5t इज इक्वल टू 50, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, पता नहीं कहां की एक्सप्रेस पुलिस है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, जो पूछा गया उसे तो सपोज करना ही पड़ता है ना बेटा, पूछा ही गया टाइम वो तो मानना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थीफ इज रनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड 8 मीटर पर सेकंड एंड पुलिस स्टार्ट्स टू चेज हिम विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 मीटर। Find the time after which police catches the thief. देखिए क्वेश्चन सेम है, फर्क क्या है, इस बार पुलिस के पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, इसमें कुछ स्पेशल तो है नहीं, आपके पास ये चोर है जो कि दौड़ रहा है 8 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट स्पीड से, इसके पीछे पड़ी है पुलिस जो कि इनिशियली चोर से 10 मीटर पीछे है। पुलिस इनिशियली सुस्ता रही थी, रेस्ट पे थी, चोर को देख के दौड़ने लग गई, एक्सेलरेशन है इसका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर है और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस है तो हमें क्या कहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर प्लस 10, है ना। दिस इंप्लाइज अब पुलिस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए पुलिस इनिशियली रेस्ट पे थी, सिर्फ एक्सेलरेट कर रही है, पुलिस सिर्फ एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए पुलिस का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम 80 प्लस 10 और एक्सेलरेशन 4 है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आएगा 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 8t प्लस 10, दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस टी माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज टी माइनस 5 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि आपका जो टाइम लगा है पुलिस को वो 5 सेकंड्स लगता है, या फिर पता नहीं कहां की पुलिस आई है माइनस 1 सेकंड में पकड़ लेती है पास्ट टेंस में जाके, तो ऑब्वियसली ये तो गलत है, पास्ट टेंस में जाके तो कोई पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकती, तो आंसर क्या होगा 5 सेकंड। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है, इसमें कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, सब आता है ना, बोरिंग लग रहा है,
चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया इसको, सबने कॉपी कर लिया? ओके अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन रनिंग टुवर्ड्स अ बस हैज कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। When he was 40 meters away, the bus starts to move with constant acceleration 2 meter per second square. Will the man be able to catch the bus? सिर्फ इतना सा पूछा गया है भैया, ये आदमी बस पकड़ भी पाएगा या नहीं, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नहीं हो रहा है। देखो पकड़ में आएगा या नहीं ये पूछा गया है ना। चलिए देखिए, मैंने इस क्वेश्चन का यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, बस और आदमी लिखा है, आप चाहो तो चोर पुलिस लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। यहाँ आदमी बस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पुलिस चोर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बात देखिए ठीक है। तो चोर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से और पुलिस दौड़ रही है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से। यहां पर इनिशियली चोर रेस्ट पे था, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं चोर यहां से यहां पहुंच गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर, और इधर से इधर पहुंच गया पुलिस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया बताओ पुलिस चोर को पकड़ पाएगी कि नहीं, हम निकाल लेते हैं पुलिस कितनी देर में चोर को पकड़ेगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि
अगर पुलिस चोर को पकड़ती है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस इज इक्वल टू 40 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर, है ना। दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस कितना होगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुलिस हो जाएगा 10 × टाइम t इज इक्वल टू 40 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ चोर कितना होगा, ½ a t² दिस इंप्लाइज हमें क्या मिला, t² − 10t + 4t इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें मिला। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 40 का फैक्टर 8 और 5 8 5 10 4, किसी तरीके से 10 बना सकते हो, नहीं बना सकते ना, एक काम करते हैं, मेरे से तो फैक्टराइज नहीं हो रहा, एक काम करते हैं, फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम टी इज इक्वल टू −t 10 ± b² ध्यान दो बी स्क्वायर आ गया 10² − 4ac 4 × 1 × 40 160 / 2a दैट इज इक्वल टू 10 ± √−60/2। इस इक्वेशन को देखिए, देखिए इक्वेशन कितनी समझदार है, इक्वेशन ने बोला देख भाई ऐसा है कि अगर हम −60 का रूट निकाल सकते हैं तो ये पुलिस चोर को पकड़ सकती है, ये पुलिस पूरी तरीके से भारतीय पुलिस है, इसका कोई स्कोप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, ठीक नहीं होगा, रूट नहीं है ना, मतलब अगर हमने बोला बताओ, हमने बोला बताओ पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ेगी, इक्वेशन ने बोला देखो इमेजिनरी टाइम में पहुंचेगी, पकड़ेगी सपनों में, ठीक है, असलियत में नहीं पकड़ पाएगी, कहानी खत्म, समझ में आई बात। दिस इंप्लाइज अगर दिस इंप्लाइज आदमी बस को नहीं पकड़ पाएगा, इसका आंसर क्या होगा, नो द मैन वोंट बी एबल टू कैच द बस, ठीक है। अबे आवाजें क्यों होने लगती हैं यार, हाँ चलिए अगले टाइप का प्रॉब्लम है बलून प्रॉब्लम, ठीक है। बलून प्रॉब्लम में बेसिकली ये हैप्पी बर्थडे वाला बलून नहीं है, ये बलून कौन सा है, हॉट एयर बलून जिसमें बैठ के आदमी ऊपर जाता है, ठीक है। तो अब बलून प्रॉब्लम का मतलब क्या है, हम इसमें इसको अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपसे बोला जाता है कि बलून मान लो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, वहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, बॉल के हिसाब से इसके लिए क्या बनता है, तो कुछ लोग बोलते हैं सर बॉल को ड्रॉप कर दिया गया उसकी वेलोसिटी जीरो, क्योंकि ड्रॉप करने पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, गलत बात है। ड्रॉप कहां से किया गया, बलून से किया गया, किसने ड्रॉप किया, बलून वाले ने ड्रॉप किया, है ना। तो किसके हिसाब से रेस्ट पर है, बलून वाले के हिसाब से रेस्ट पर, मतलब बलून के साथ साथ जा रहा था, तो मतलब अगर बलून की इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड थी, जिस मोमेंट पे बॉल को ड्रॉप किया गया उस वक्त बलून की वेलोसिटी अगर 10 मीटर पर सेकंड थी, तो बॉल की वेलोसिटी भी उस वक्त कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बलून से ड्रॉप किया गया तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, बलून के बराबर हो जाएगी। बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ड्रॉप किया बॉल को, तो बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो बलून कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन या हॉट एयर भरा हुआ है, इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, बॉल में थोड़ा ना भरा है, बॉल तो ड्रॉप कर दिया, उसके ऊपर तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, जैसे ही ड्रॉप किया उसके बाद, जैसे ही ड्रॉप किया नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेविटेशनल के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, दैट इज जी। तो अगर मैं एक मूविंग बलून से, अगर मैं ऊपर जाने वाले बलून से किसी बॉल को ड्रॉप करूं, तो उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी
बलून के बराबर होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉल के लिए, जूता ड्रॉप करूंगा तो जूते की भी इनिशियल वेलोसिटी बलून के बराबर होगी, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी के बराबर होगा। अगर मैं बलून में खड़ा होके ऊपर एक और दूसरा बलून जा रहा उसको जूता मारूं फेंक के, तो क्या होगा, मेरी बलून की वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड है, मैंने फेंका जूता 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ, तो जूते की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 20 30। समझ में आई बात? वही जूता अगर मैंने नीचे फेंका तो कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ 10, नीचे की तरफ 20, 10 माइनस 20 माइनस 10, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? मैंने ऊपर की तरफ प्लस ले रखा है, नीचे की तरफ माइनस ले रखा है, तो 10 में क्योंकि मैंने बलून में बैठ के नीचे की तरफ जूता फेंका है, तो जूते को मैंने कौन सी वेलोसिटी दी है, -20 दी है, तो मेरी वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, -20 ऐड हो जाएगी, 10 प्लस -20 कितना हो गया, -10। -10 का मतलब नीचे की तरफ 10, अगर मेरा साइन कन्वेंशन है ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ -2, ठीक है। तो बलून प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, इफ अ बॉल और ऑब्जेक्ट, बॉल की जगह ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून इट्स इनिशियल वेलोसिटी is equal to the that of balloon and acceleration is equal to g, acceleration due to gravity, ठीक है। अगर मैं बॉल को बलून से ड्रॉप करता हूं तो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, बलून के बराबर। बलून अगर एक्सेलरेट कर रहा हो तो कौन सी वेलोसिटी के बराबर, बलून की कौन सी वेलोसिटी के बराबर, इनिशियल की फाइनल, जिस मोमेंट पे ड्रॉप किया है उस मोमेंट की वेलोसिटी के बराबर। समझ में आई बात? जिस मोमेंट पे बलून से बॉल को ड्रॉप किया गया है उस मोमेंट पे बलून की जो भी वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी हमारे बॉल को भी मिल जाएगी, हमारे किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ बलून, अगर मैं बलून से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दूं तो क्या होगा, बलून्स वेलोसिटी should be added to the velocity with which object is thrown। जैसा कि मैंने बताया, अगर बलून ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और हमने एक जूते को ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, तो जूते की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30। जूते को नीचे फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, तो जूते की नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नीचे की तरफ 10। समझ में आई बात? -10 या नीचे की तरफ 10। समझ में आया? ये हमारा बेसिक सा फंडा है बलून प्रॉब्लम का। तो इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत मोशन के बारे में बात की है, उसमें एक लास्ट टॉपिक जो शुरू हुआ था वो था बलून प्रॉब्लम। तो बलून प्रॉब्लम पे 3 क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में थे, आपको मैंने बोला था घर पे ट्राई करके आइएगा। कितने लोगों ने ट्राई किया है, रेज योर हैंड। 2 ही थे, ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो ट्राई करके आए आप लोग, अच्छा। तो मैं उनका सीधे सीधे सोल्यूशन बता दे रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो बलून है ये ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इफ द बलून वॉज 60 मीटर हाई व्हेन अ स्टोन वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, जब
जब बलून 60 मीटर की हाइट पे था, यहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया। पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ये स्टोन कितनी देर में ग्राउंड तक पहुंचेगा, और दूसरा हाइट ऑफ बलून व्हेन स्टोन हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें। क्या बोला गया है, 60 मीटर की हाइट पे बलून जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, यहां से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया। अगर ड्रॉप करोगे मूविंग बलून से तो स्टोन की वेलोसिटी कितनी होगी बलून के बराबर, तो इसकी वेलोसिटी हो गई ऊपर की तरफ कितना, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा कितना, जी होगा। साइन कन्वेंशन पहले से बना रखा है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव, तो अपन को ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम सारा डेटा लिखेंगे, हमारी स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लस 5, एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ जी है तो नीचे की तरफ जी माइनस जी हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको ग्राउंड तक पहुंचना है तो नीचे की तरफ जाना है कितना डिस्टेंस तक, 60 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, माइनस 60 मीटर। हमसे टाइम पूछा गया है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि बाकी सब 5 और 60 है, मैं जी की भी वैल्यू डाल देता हूं नंबर्स में, कितना हो जाएगा ये, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है मीटर पर सेकंड। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें क्या मिलेगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 5 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, ए की वैल्यू डाली माइनस 10 माइनस 5 टी स्क्वायर हो गया। दिस इंप्लाइज 5 टी स्क्वायर माइनस 5 टी माइनस 60 इज इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वी विल हैव टी माइनस 4 इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज टाइम इज 4 सेकंड्स। तो स्टोन को ड्रॉप करने के 4 सेकंड बाद आपका स्टोन ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है? फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड कितना है, 4 सेकंड। अब पूछा गया है कि जब ये स्टोन ग्राउंड को हिट कर रहा है उस वक्त बलून की हाइट कितनी है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, तो बलून की ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना लगा है उसको, कितना मिला है बलून को ऊपर जाने के लिए, 4 सेकंड। ये भी दे रखा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बलून ऊपर जा रहा है, तो दैट मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज 5 इनटू 4 इज इक्वल टू 20 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है। बलून ऑलरेडी ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 60 मीटर की हाइट पर, तो दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ बलून कितना हो जाएगा, 60 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 मीटर, ये आपका आंसर है। तो दो आंसर हो गए, पहले का आंसर है 4 सेकंड, दूसरे का आंसर है 80 मीटर। किसी को कोई डाउट, कॉपी कर लिया, ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ बलून इज राइजिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस बार बलून का एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टू स्टोन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द बलून एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकंड्स, दो स्टोन्स को बलून से ड्रॉप किया गया है 2 सेकंड के इंटरवल पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टोन्स 1 सेकंड आफ्टर रिलीज ऑफ द सेकंड स्टोन। अब इस क्वेश्चन को देखने में एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है कि यार बलून की वेलोसिटी नहीं दी गई है ना, बलून की वेलोसिटी नहीं दी गई है, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम लगती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, यहां पर बहुत सारे झमेले लग रहे हैं ना, कुछ दिया ही नहीं गया यार, स्टोन बलून का एक्सेलरेशन दे दिया गया है, बोल रहा है 2 सेकंड के इंटरवल पर ड्रॉप कर दिया गया 2 अलग अलग स्टोन को, दूसरे स्टोन को ड्रॉप करने के 1 सेकंड बाद सेपरेशन बताना है ना।
मान लेते हैं ये बलून है, इससे एक स्टोन को ड्रॉप किया। अगर बलून की वेलोसिटी नहीं मालूम तो स्टोन की वेलोसिटी नहीं मालूम, है ना? ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन के साथ कि अगर बलून की वेलोसिटी नहीं पता है तो स्टोन की वेलोसिटी भी हमें मालूम नहीं है, और दो सेकंड के बाद बलून की वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, तब हमने दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया। बलून तो यहां पहुंच चुका है और यहां से दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया, ये S1 था, ये S2 है, इसकी वेलोसिटी भी नहीं पता, है ना? सिर्फ एक डेटा दे रखा है, क्या? बलून का एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बलून का मैं एक्सेलरेशन मान लिया, दे रखा हमको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मुझे सबसे बड़ी उलझन इस चीज से हो रही है कि बलून की वेलोसिटी नहीं दी गई। तो लेट्स अज्यूम बलून की वेलोसिटी, मैंने बोला था नहीं बात यार, जो नहीं पता है और लग रहा है उसके बिना कुछ कर नहीं पा रहे उसको मान लो, यू विल सी कि अल्टीमेटली वो मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल नहीं होता है तो दो बातें, या तो आपने गलत किया या क्वेश्चन में डेटा मिसिंग है, ठीक है? तो बलून की इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहां पे यू मान ली, यहां पे टाइम टी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 2 सेकंड हो रहा है, तो यहां की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत शॉर्टकट आप मार सकते हो, ठीक है? बलून के लिए अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लूं, नीचे की तरफ नेगेटिव मान लूं, तो यहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू प्लस एटी, कितना हो जाएगा, यहां 2 एक्सेलरेशन था, टाइम 2 सेकंड लगा है, तो यू प्लस 4, ठीक है? इतनी देर में बलून का कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो गया होगा S1, है ना? S1 कितना होगा, S1 हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यू कितना है पता नहीं, टाइम कितना है 2, प्लस हाफ ए कितना है 2, टी स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, दैट इज इक्वल टू 2u प्लस 4, ये हो गया S1। इतना डिस्प्लेसमेंट हमारे स्टोन का या हमारे बलून का ऑलरेडी हो चुका है स्टोन 1 को ड्रॉप करने के बाद और स्टोन 2 को ड्रॉप करने के पहले, मतलब स्टोन 1 और स्टोन 2 के ड्रॉप करने की हाइट के बीच में ये डिफरेंस है 2u प्लस 4, ठीक है? कोई दिक्कत नजर आ रहा है सबको? ओके, तो ये जो 2u प्लस 4 का डिफरेंस है दोनों हाइट्स में, ये हमें अंत में यूज होगा, अभी के लिए इसको निकाल के छोड़ देते हैं, हो गया अपना इक्वेशन 1। इसके बाद कहा गया है कि दूसरे स्टोन को ड्रॉप करने के 1 सेकंड बाद दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो अच्छा, मैंने इसके लिए भी स्टोन वाली S1 लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट के लिए S1 लिख दिया, एक काम करते हैं इसको D1 कह देते हैं, ठीक है? तो D1 आ जाएगा आपका 2u प्लस 4। अब ये जो स्टोन S1 है इसका डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूं ऊपर की तरफ हो जाता है D2 और S2 का हो जाता है D3, ये हमने मान लिया। S1 को कितना टाइम मिला, स्टोन को कितना टाइम मिला है स्टोन 1 को? देखिए स्टोन 1 को ड्रॉप करने के 2 सेकंड बाद स्टोन 2 को ड्रॉप किया गया और उसके 1 सेकंड बाद की पोजीशन के बारे में बात की गई है, तो स्टोन 1 कितनी देर तक मूव किया, 3 सेकंड तक मूव किया। फॉर स्टोन 1 इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ प्लस है नीचे की तरफ माइनस है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, एक्सेलरेशन कितना है माइनस g है, डिस्प्लेसमेंट कितना है d2 है, ये हम निकाल सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट d2 है, और टाइम कितना है 3 सेकंड है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई किया d2 इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर मतलब 9, तो 9g बाय 2, ठीक है? और टाइम कितना है 3, तो 3u माइनस 9 बाय 2g, ये हो गया स्टोन 2 का या स्टोन 1 का टोटल डिस्प्लेसमेंट जहां से ड्रॉप किया था वहां से। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? अब स्टोन 2 के बारे में बात करते हैं। फॉर स्टोन 2, अगर स्टोन 2 को देखें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू प्लस 4 है, और इसको टाइम कितना मिला है, सिर्फ 1 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू प्लस 4, एक्सेलरेशन इसका भी माइनस जी है, क्यों, क्योंकि ये भी फ्री फॉल कर रहा है। आपका इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है d3,
और टाइम इसको मिला है 1 सेकेंड। फिर से वही फॉर्मुला लगेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें क्या मिलेगा, डी थ्री इज इक्वल टू यू प्लस 4 इंटू टाइम तो 1 सेकेंड है, प्लस प्लस की जगह आ जाएगा माइनस हाफ जी इंटू कितना स्क्वायर, 1 स्क्वायर, हाफ जी इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो डी थ्री हो गया है यू प्लस 4 माइनस जी बाय 2, दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब एक बार वापस से सिर्फ स्टोन 1 और स्टोन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। यह है स्टोन 1, इसका डिस्प्लेसमेंट हमें डी 2 मालूम है। ये स्टोन 2 यहां से ड्रॉप किया गया था, ये डिस्टेंस हमको डी 1 पता है और इसका डिस्प्लेसमेंट डी 3 भी पता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे सेपरेशन इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए डी 1 प्लस डी 3 माइनस डी 2 आया ना। यहां से स्टोन 2 कितनी डिस्टेंस पर है, डी 1 हाइट से छोड़ा गया, डी 3 हाइट और ऊपर चला गया, तो सेपरेशन कितना हो गया इसका, डी 1 प्लस डी 3 तो ये ऊपर चला जा चुका है और डी 2 ये स्टोन 1 भी ऊपर जा चुका है, तो माइनस डी 2 आया ना, कोई दिक्कत? दैट इज इक्वल टू, अब सब कैलकुलेट करते हैं, डी 1 प्लस डी 3 माइनस डी 2, डी 1 है 2u प्लस 4, 2u प्लस 4, डी 3 है यू प्लस 4 माइनस जी बाय 2, प्लस यू प्लस 4 माइनस जी बाय 2, माइनस डी 2 कितना है 3u माइनस 9g बाय 2, माइनस 3u माइनस 9g बाय 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एक चीज देखिए, 2u प्लस u 3u हो गया, 3u 3u मर गए, 2u u 3u और ये 3u मर गया। अच्छा माइनस ये था ना, ऐसे था ना, ये ब्रैकेट था यहां पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 प्लस 4 8 माइनस जी बाय 2 प्लस 9g बाय 2, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हुआ, यहां माइनस जी बाय 2 था, यहां माइनस, ठीक है क्या हुआ, हाँ तो 8 प्लस 4g दैट इज इक्वल टू 48 मीटर अप्रोक्सीमेटली, अगर जी को मैं 10 ले लेता हूं तो। ठीक है, तो दोनों स्टोन्स के बीच में सेपरेशन कितना हो जाएगा 48 मीटर, कोई दिक्कत है? तो यहां पर मैं फर्स्ट पार्ट जो आपका मोशन का है उसको खत्म कर रहा हूं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ एक ही पर्पस था कि हम कैसे इक्वेशंस लिखें, कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करें, वो हमने अभी अचीव कर लिया है, इक्वेशंस को लिखना और उनको सॉल्व करना का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, कर लीजिए इसको फटाफट।